आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह में सुनी जाने वाली गंगा यमुना की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा से कार्तिक स्नान जितना फल प्राप्त होता है, पापों से मुक्ति मिलती है व मन इच्छा पूर्ण होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक बार दो बहनें थी, एक का नाम गंगा था, एक का यमुना। एक समय दोनों साहूकार के खेत में से जा रही थी कि यमुना ने 12 दाने गेहूं के तोड़कर खा लिए। गंगा ने अपनी बहन यमुना से कहा, तुमने साहूकार से पूछे बिना खेत में से दाने तोड़कर खा लिए, ये तो एक तरह से चोरी का अपराध हो गया, इस बात का तुम्हें पाप लगेगा। यमुना ने गंगा से पूछा, मैं इस पाप से मुक्ति कैसे पाऊंगी? गंगा ने कहा, यदि तुम पश्चाताप करना चाहती हो तो तुम्हें 12 वर्ष साहूकार के घर नौकरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर यमुना साहूकार के पास गई और बोली, मुझे अपने घर काम पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे बाकी सारे काम कर दूंगी। एक जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जगाऊंगी। साहूकार ने यमुना को काम पर रख लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब 12 वर्ष पूरे हुए तो उस वर्ष साहूकार और साहूकारनी ने सोचा, इस वर्ष कार्तिक का स्नान गंगा जी में करके आते हैं। जब वो दोनों चलने लगे तो यमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और कहा कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, ये उसे दे देना और कहना कि तुम्हारी बहन यमुना ने दिया है। दोनों चले गए गंगा जी में कार्तिक स्नान करने, और जब सोने का टका गंगा जी को देने लगे तो गंगा ने उन्हें कहा, तुम्हारे घर में मेरी बहन यमुना काम करती है, वापस जाकर उसे कह देना कि तेरी बहन गंगा ने कहा है, तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तू वापस आ जा। दोनों वापस आए और गंगा जी ने जैसा कहा था यमुना को कह दिया। ये सुनते ही यमुना सहस्त्र धारा होकर बह निकली। ऐसा देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान रह गए। वो पछताने लगे कि यमुना माता हमारे घर में काम करती थी, हमें तो पाप लगेगा, घोर नरक झेलना पड़ेगा। उन्हें पश्चाताप होने लगा। उधर यमुना जब गंगा जी के पास पहुंची तो गंगा ने कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई हो कि नहीं? यमुना ने कहा नहीं, तो गंगा जी बोली, उन्हें धीरज बंधा कर आओ, वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। यमुना बोली, ठीक है। रात को यमुना जी दोनों के स्वप्न में आई और बोली, तुम उदास क्यों हो? वे दोनों बोले, हमें नहीं पता था कि आप यमुना माता हो, हमने तो आपसे ऊंचे नीचे सब काम करवा लिए, अब हमारा ये दोष कैसे उतरेगा? तब यमुना जी बोली, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा, मैंने तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खा लिए थे, जिसका दोष मुझे उतारना था, इसीलिए मैंने अपनी खुशी से तुम्हारे घर 12 वर्ष तक काम किया, अब तुम दोनों को कोई दोष नहीं होगा, तुम दोनों तो मुक्ति के अधिकारी हो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हे गंगा माता, हे यमुना माता,
जैसी मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसी सबको देना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सबको मुक्ति देना, मन इच्छा पूर्ण करना, सुख शांति देना, रिद्धि सिद्धि समृद्धि देना और कार्तिक में गंगा स्नान का फल देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।